और ये राहुल साइकिल चलाने के लिए इतना डरता है। मुसलमान बहुजन समाज को अगर अवसर मिले तो वो हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड के अंदर किसी को मान सम्मान देना, किसको बढ़ाना किसको नहीं बढ़ाना, ये जो फैक्टर है ये फैक्टर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी परा। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी मैं इस बोधिसत्व दिनदर्शिका के पास में आता हूँ तो कुछ ना कुछ एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आता हूँ। तो आज के दिन क्या हुआ था हिस्ट्री में देखते हैं। 29 जून आज की तारीख 1928 को समता नामक पाक्षिक प्रकाशित किया गया था। समता और बहिष्कृत भारत, जनता, इस तरीके से समय समय पर बाबा साहब ने एक पाक्षिक निकाले थे जो एक मीडिया की भूमिका अदा करते थे। उस समय के अंदर में बाबा साहब के खिलाफ में इस तरीके से बातें उस समय में की जाती थी, तो उसके पीछे की जो सच्चाई है वो दिखाने का काम बाबा साहब अपने इन तमाम पाक्षिक से करते थे। आजा जल्दी, आजा जल्दी, आजा। और ये राहुल साइकिल चलाने के लिए इतना डरता है कि जब तक के पूरा रास्ता क्लियर नहीं हो जाता तब तक के ये साइकिल आगे बढ़ाता नहीं है ना। इसको मैंने बताया कि ये ब्रेक है, ये जैसे ये बेल है, अगर कोई भी आ जाता है तो इस तरीके से बजाना, लेकिन तभी भी डरता है। राहुल कब सीखेगा तू साइकिल, जल्दी सीखेगा कि नहीं, है ना, चल प्रैक्टिस कर, चल जल्दी चल। राहुल और मोहित तैयार हो गए क्या? हाँ। किसके लिए? ट्यूशन जाने के लिए। अच्छा, अभी साइकिल कितने दिन से चला रहे राहुल? अभी 3 दिन। 3 दिन से है ना, अभी थोड़ा ठीक ठाक साइकिल आ गई है ना। और मोहित को तो साइकिल ऑलरेडी आती है। हाँ। तो अभी स्कूल बंद है तो कम से कम ट्यूशन जाना शुरू है ना। हाँ। ठीक है, तो अभी कौन से मैडम में ट्यूशन ले रहे? अच्छा, तो ठीक है, अभी ट्यूशन जाने का इनका टाइम हो चुका है। अभी कितने बज रहा है? 7:30 बज रहे, ठीक है। हाँ। तो कितने देर, कितने घंटे की ट्यूशन है? हाँ। अरे देखो ये क्या कर दिए इसने, हाँ? पोस्टर वो हमने इतना अच्छे से वापस स्टिक कर रहे थे, इन्हें अभी फाड़ के रख दिया, आपको पहले दिखाया था मैंने ये, ठीक है। तो इसको स्टिक करके रखना, अच्छे से काम की चीज़ है वो, है ना। हाँ। चलो ठीक है, जाओ ट्यूशन फिर, बाय बाय। बहुजन समाज को अगर अवसर मिले तो वो हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड के अंदर में अपना नाम रोशन कर सकता है, ये साबित कर दिया है दीपिका कुमारी ने, कि रांची झारखंड से आती है। उनके पिताजी ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और माता उनकी हाउसवाइफ है, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र के अंदर में ऐसा काम करके दिखाया कि वो दुनिया की सबसे पहले नंबर की तीरंदाज बन चुकी है। भारत की प्रख्यात तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी के विश्व कप में इतिहास रचते हुए एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा, महिला और मिश्रित टीम स्पर्धा तीनों में गोल्ड जीतकर हैट्रिक लगाई है गोल्ड मेडल्स की। और इससे भी ज्यादा धूम मचाने वाली बात है कि इसके साथ ही वो विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन चुकी है। इस शानदार उपलब्धि के बावजूद भी गोदी मीडिया कल से चुप है इस पर। प्राइम टाइम पर कोई खबर नहीं है, कोई बड़ा शो नहीं किया, बड़े एंकर ने तो ट्वीट तक नहीं किया, केवल वेबसाइट पर एक खबर लगा। एक दौर ऐसा था पराग, जब हम इतिहास के अंदर देखते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य इन्होंने जबरदस्ती एकलव्य का अंगूठा मांगा था। बिल्कुल हाँ। और एक दौर ऐसा है कि जब इतिहास के बाद जब हम संविधान का दौर जब आया इस देश में भारत के अंदर, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तो दीपिका कुमारी जैसी महिलाएं आज के तारीख में 3-3 गोल्ड मेडल जीत रही है आर्चरी में। तो ये बात, ये कैसे हो रहा है? ये संविधान के कारण हो रहा है। इस देश में संविधान नहीं रहता तो दीपिका कुमारी जैसी महिलाएं आज के तारीख में आर्चरी में 3 गोल्ड मेडल नहीं जीतती। तो आपने जैसे कहा कि दीपिका कुमार ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर दीपिका कुमार को जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था या जिस तरीके से उनका इस अचीवमेंट को हर एक व्यक्ति तक के पहुंचाना चाहिए था, तो ऐसा कुछ मीडिया का रोल नजर नहीं आता। पसीना आ रहा है ब्लॉगिंग का दुश्मन। तो 10 मिनट से फैन बंद है, तो अभी भाव को रह की नहीं हो रहा है। मीडिया का व्यवहार बहुजनों के प्रति ऐसा ही रहा है, ब्लैकआउट करने का। जब भी बहुजनों ने अच्छा इतिहास रचा है उसको ब्लैकआउट करने का काम मनुवादी मीडिया ने किया है। में भी ऐसा हुआ, प्रेजेंट में भी ऐसा हो रहा है, और फ्यूचर में भी अगर हम अपना इतिहास सही तरीके से अपने लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा गलत सही इतिहास भी गलत
तरीके से बताया जाएगा। इसी हम अपना एक मीडिया तैयार करने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज ने ये करना चाहिए, तो तभी हम अपनी खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, मतलब भारत देश के अंदर किसी को मान सम्मान देना, किसको बढ़ाना किसको नहीं बढ़ाना, ये जो फैक्टर है ये फैक्टर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है जाति के आधार पर। तो जाति मेन फैक्टर है और जाति ही विलन है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के अंदर वो क्वालिटी होती है या फिर वो उस शिखर को पार भी कर चुके होते हैं, लेकिन जाति के आधार पर उनको वो वैल्यूज नहीं मिलती। और वही दीपिका कुमारी के साथ होती है। छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, इनके जयंती के ऊपर में एक बहुत ही क्रांतिकारी गीत यूट्यूब पर आया था और वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ और आप भी सुनकर बताइए कि आपको कैसा लगा। एक रिव्यू इसके ऊपर मैं देना चाहता हूँ। मुसलमान म्हणतो हो माझा, दलित म्हणतो माझा, माता माऊली म्हणते माझा, अहो भटका म्हणतो माझा, आदिवासी म्हणतो हो माझा। जैसा कि आपने ये सॉन्ग सुना, बहुत ही बेहतरीन गाना है ये। ये है वैसे मराठी में, तो जो लोग महाराष्ट्र से है तो वो इजीली इसको समझ पाएंगे और जो लोग महाराष्ट्र के बाहर से है, जो लोग मराठी नहीं समझ पाते वो सबटाइटल में देख सकते हैं। और ये जो गाना जिन्होंने गाया है वो है शीतल साठे और सचिन माड़े, इन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन गाना ये उन दोनों ने साथ में गाया है। तो इनका इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, इनके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और इस तरीके के बहुजन समाज के जो शायर है, जो गायक है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में आना चाहिए। जिस तरीके से बाबा साहब भी कहते हैं, वामन दादा कर्डक है, उनके जो एक गाना है वो उनके 10 भाषण के बराबर है। तो इस तरीके से इन लोगों को, हमारे ऐसे बहुजन गायकों को हमको ही सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही इस गाने का मैंने देखा तकरीबन 10,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये गाना के अंदर में, तो ये जो गाना है इसका क्वालिटी भी इन्होंने बहुत बेहतरीन बनाया है। साथ ही इसके व्यूज अगर 50,000 से ज्यादा अभी तक के हो जाने चाहिए थे। तो जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो जरूर इस गाने को देखिए। और ये जो सॉन्ग है ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।